राजस्थान में दोगुना हुए कोरोना केस, मौत भी डबल, लगातार तीसरे दिन 343 पॉजिटिव। जयपुर, जोधपुर में तेजी से फैल रहा राजस्थान में कोरोना का खतरा फिर बढ़ने लगा है। पिछले 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं पिछले एक महीने की मौत का आंकड़ा 20 का रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या भी बीते 33 दिनों में 6000 को पार कर गई है। तेजी से बढ़ रहे मरीज सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। इसे देखते हुए हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने राज्य में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में जहां पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ी है, वहां ज्यादा फोकस रहेगा। राजस्थान में आज कोरोना के 343 केस आए हैं, हालांकि किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 109 केस मिले हैं। ये तीसरा दिन है जब जयपुर में लगातार 100 से ज्यादा केस आए हैं। अलवर में 35, दौसा 31, उदयपुर 27, जोधपुर 24, अजमेर, भीलवाड़ा में 14-14, राजसमंद में 12, जालौर 11, कोटा 10 केस है। राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2209 हो गई, जबकि झुंझुनू, बूंदी और पाली ऐसे जिले हैं जहां अभी एक भी एक्टिव केस नहीं है। दो दिन में 5 मौत मौसमी बीमारियों के मरीजों के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। अगस्त के शुरुआती 2 दिनों में प्रदेश में 5 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, वहीं 598 पॉजिटिव मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में ये अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मंत्री ने सभी जिला CMHO को अपने अपने यहाँ कोविड की सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा है कि खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। राजस्थान में पिछले महीने जुलाई में 5837 मरीज कोविड पॉजिटिव मिले थे, जबकि 15 की डेथ हुई थी। ये संख्या पिछले 4 महीने में आए कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या में सबसे ज्यादा है। इसमें 1600 से ज्यादा केस तो केवल जयपुर में है। स्टेट में 50 साल या उससे ज्यादा ग्रुप के लोग पिछले दिनों ज्यादा संक्रमित हुए हैं। जयपुर में 39% केस 50 साल या उससे ज्यादा एज ग्रुप के लोगों की है। जयपुर के अलावा कोविड के केस जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर और सिरोही में भी कोविड के केस बढ़े हैं। यहाँ पिछले महीने जुलाई में 200 से लेकर 1000 तक केस आए हैं।